एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर पत्रिका अभी अभी में आपको बता दें, राजस्थान बोर्ड परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, रविवार के बावजूद शाम 6:30 बजे विशेष कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया। आपको बता दें, बीकानेर निवासी माघी देवी ने दायर की थी विशेष अनुमति याचिका। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, आपको बता दें इस मसले की सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय बेंच ने इस पूरे मसले पर सुनवाई की है। तो राजस्थान बोर्ड परीक्षा जो है स्थगित करने के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसके लिए उससे इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमलेश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे, क्या है पूरा मामला? देखिए, राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं, जो 2 परीक्षाएं बचेगी 10वीं बोर्ड की, कल से शुरू होने वाली है, यानी सोमवार और मंगलवार 2 दिन परीक्षाएं होनी है। लगभग 11 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठने वाले, 11,86,428 छात्र इस परीक्षा को देने वाले हैं। कोरोना फैलने का हवाला देते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। सबसे बड़ी बात राहुल ये है कि ये याचिका आज ही दिन में दाखिल की गई थी, जिसके बाद शाम को 4 बजे ये लिस्टेड हुई। स्पेशल बेंच का इसके लिए गठन किया गया। स्पेशल बेंच ने 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक इसकी सुनवाई की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में अब इन परीक्षाओं को निरस्त नहीं किया जा सकता और कोर्ट ने परीक्षाओं को निरस्त करने से इंकार कर दिया, जिसकी वजह से अब यह साफ हो गया कि कल जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है वो कल समय पर बोर्ड परीक्षाएं होंगी। जी राहुल जी, कमलेश, तो इस बेंच में कौन कौन से जजेस थे जिन्होंने इसकी सुनवाई करी? देखिए, मुख्य न्यायाधीश जिन्हें उन्होंने इसके लिए इस बेंच का गठन किया था, इसमें न्यायाधीश एएम खानविलकर, न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और न्यायाधीश संजीव खन्ना की 3 सदस्यों वाली खंडपीठ का ये गठन किया गया था, और जिसने की आज शाम को 6:30 बजे से इस मामले पर सुनवाई की है और उसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया है। आपको राहुल, अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, ये मामला पहले राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा था और राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 मई को परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि ये परीक्षाओं को फिलहाल नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि जो गाइडलाइन आई है वहां से, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों की पालना करते हुए इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। और ये इसके बाद इसमें ये चेंजेज हुआ कि पिछले दिनों CBSE की जो परीक्षाएं होने वाली थी उन CBSE की परीक्षाओं को COVID-19 का ही हवाला देते हुए जो है रोक लगा दी गई थी CBSE ने, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी CBSE परीक्षाओं को रोक दिया था और ये कहा था कि जो पेपर हो चुके हैं उनके आधार पर ही छात्रों को अगली परीक्षा में, अगली कक्षाओं में जो है उनको आगे पदोन्नत कर दिया जाएगा, अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया जाएगा, इसी का भी हवाला इस याचिका में दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने इन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षा है जिन पर रोक लगाने के लिए याचिका दर्ज की गई थी, एक स्पेशल बेंच ने आज उसकी सुनवाई करी और जस्टिस राजीव खन्ना की सदस्य अध्यक्षता में इस बेंच ने इस पूरे मसले पर सुनवाई करी। शाम 6:30 बजे ये सुनवाई जो है वो शुरू हुई और इस याचिका को, राजस्थान बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की जो याचिका थी उसे रद्द कर दिया गया है। अब परीक्षा यथावत है,